हाय, चलिए फिर से आज हम आपके साथ फिर आ गए एक नया रेसिपी लेके, जो एक अलग ही है, हमारे दिमाग की उपज है। तो आपको हम दिखाते हैं, सरप्राइज है। चलिए दिखाते हैं कि किस क्या बना रहे हैं। जो बचे हुए चीज़ है ना, होली में जो बच गए हैं, गुलाब जामुन का चाशनी थोड़ा, और गुजिया का मावा वगैरह, वो सब डाल के ना एक मस्त चीज बनाते हैं। तो ये देखिए, ये केला भी हमारे पास था तो थोड़ा ज्यादा पकने लगा था। ये बड़ा हेल्दी केला होता है, बीपी वाले के लिए ये छोटा छोटा केला होता है, बहुत अच्छा होता है। तो एक केला थोड़ा सा पकने लगा था तो मैं सोची बैठ के दिमाग लगाए कि क्या बनाऊं, तो वही ये बना रही हूँ। तो और ये गुजिया बनाए थे तो मावा बच गया था, तो इसको डालेंगे। और ये है चाशनी थोड़ा सा, और थोड़ा बैलेंस के लिए चीनी रखी हूँ कि देखती हूँ कितना चीनी चाहिए, उतना ही डालूंगी। और ये है आटा, और ये है दही। तो दही के साथ आप लोग पैनकेक बनाते हैं ना, हम लोग भी बचपन से ही छछरुआ पुआ बोलते हैं, छछरुआ पुआ बनाते, उसमें दूध भी डाल के बनाते थे, लेकिन मैं दही से बनाऊंगी। और ये है थोड़ा बैलेंस करने के लिए नमक, हल्का सा डालेंगे बैलेंस करने के लिए, टेस्ट को बढ़ाने के लिए। तो चलिए हम अब क्या करते हैं, पहले हम क्या करेंगे ना, ये केला है ना, इसको अच्छे से हाथ से मिस लेंगे, अच्छे से, गुठली उठली नहीं रहे, अच्छे से इसको मिस लेंगे। हम जुगा देसी है ना, देसी लोग हैं तो हम हाथ से ही ज्यादा करते हैं। अब इसको कौन जाएगा फेटने फाटने, ऐसे अब मिक्सी में भी डाल के ना इसको सबको डाल के ग्राइंड कर सकते हैं अच्छे से। तो पहले हम केला को ऐसे करके खूब अच्छे से इसको कर लेते हैं। मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ती हूँ, एक हाथ से करती हूँ, इसीलिए थोड़ा सा आपको असुविधा होगा, असुविधा के लिए क्या बोलते हैं, माफी मांगते हैं, खेद है। लेकिन हम बनाएंगे मस्त। एक केला देखिए ऑलमोस्ट हो गया, ये देखिए पूरा हो गया। अब इसमें हम सब कुछ डालेंगे, ये देखिए ये मेवा है ना, इसको हम डाल देंगे इसी में। ये चाशनी है ना, इसको भी डाल देंगे। और फिर दही डालेंगे, दही से बनाएंगे। देखिए दूध से तो आप बहुत देखे हैं, आज हम दही से बनाएंगे। देखिए चाशनी में तो इलायची डाले थे ना, तो इसका हम छिलका निकाल देंगे और इलायची हम इसमें छोड़ देंगे, टेस्ट आ जाएगा इसका। इसी को तो बोलते हैं जुगाड़, देसी जुगाड़। इसको भी हम खूब अच्छे से मैश कर देंगे, मिला देंगे। हम हल्का सा बैलेंस बनाने के लिए नमक डालेंगे इसमें। उसको धीरे 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 इसका हम पूरा पतला सा घोल बनाएंगे। आप लोग जिसको पैनकेक बोलते हैं ना, हम लोग छछरुआ पुआ बोलते हैं, क्योंकि इसको तावा के ऊपर बनाते हैं, कम तेल में बनाते हैं, हेल्दी। और केला, मेरे माँ के गांव में केला बहुत होता था, तो मेरी माँ ना केला का बहुत चीज़ बनाती थी, पका हुआ केला का, कच्चा केला का, तो वो सब हम लोग ना खाए हुए हैं। ज्यादा केला पका हुआ रहता था तो ऐसे करके हम लोग को बना बना के नाश्ता में देती थी, टिफिन में बना के स्कूल में देती थी, दोस्तों दोस्त लोग भी बहुत छीन छीन के खाते थे। ऐसे सभी को, सभी के घर में बनता है। लेकिन देखिए 5 मिनट हो गया इसको रखे हुए, तो अब हम गैस जलाते हैं और गैस पर बनाएंगे। तो देखिए तो पराठा बनाए हैं ना, तो ये थोड़ा तेल का है तो इसी पर बना लेते हैं। कुछ भी बनाए पहले भगवान को अर्पण कर दें, भगवान
सीखेगा धीरे धीरे करके सीखेगा। फिर इसमें थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा तेल डाल देंगे, देखिए हो गया तैयार। कितना अच्छा लग रहा है। तो हम गैस करते हैं बंद और इसको देखिए, ये देखिए, ये देखिए हो गया तैयार। तो आप लोग भी खाइए। तो अब बनके हो गया है तैयार। क्या है? छछरुआ पुआ, जिसे बोलते हैं पैनकेक। तो हम दही में बनाए हैं, तो आप लोग भी बनाइए, खाइए, बच्चों को खिलाइए और ऐसे खुश रहिए। और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। बाय। तो फिर ऐसे ही हम आगे आपको दिखाते रहेंगे और आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करते रहिए, हमारे वीडियो को बढ़ाइए। फ्रेंड्स बहुत स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है। आप भी खा के देखिए क्या स्वाद है। ओह, क्योंकि इसमें गुजिया का खोआ भी आ गया, इसमें चाशनी आ गया, तो सारा टेस्ट इसमें आ गया। तो आप भी खाइए। हाँ, ये देखिए हो गया तैयार। तो आप लोग भी खाइए।